स्वागत है आपका एजेल क्रिएटर चैनल पर, जहां हम आपको एक अनोखी और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। नरग्राम एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के पास बसा हुआ था। गांव के लोग अक्सर जंगल में होने वाली अजीब घटनाओं और वहां के भयानक रहस्यों के बारे में बात करते थे। इस जंगल का नाम था काली वन, और यह नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था। कहानियां थीं कि यहां रात के समय एक भयानक यक्षिणी का वास है, जो उन लोगों से प्रतिशोध लेती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। राहुल और विक्रम गांव के दो सबसे करीबी दोस्त थे। राहुल एक आधुनिक सोच वाला युवक था जो गांव के अंधविश्वासों को नकारता था। विक्रम, जो उसके बचपन का दोस्त था, थोड़े डरे हुए स्वभाव का था, लेकिन उसकी दोस्ती और राहुल के प्रभाव के कारण वह भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन राहुल ने विक्रम से कहा, मैंने सुना है कि लोग इस जंगल से डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। हमें जाकर देखना चाहिए कि सच क्या है। विक्रम ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, पर राहुल, अगर ये सच में हो तो क्या होगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम डर के बिना यह नहीं जान सकते, चलो एक बार कोशिश करते हैं। पूर्णिमा की रात को, जब चांद की रोशनी जंगल पर छा रही थी, राहुल और विक्रम ने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल में जाने के लिए एक बैग तैयार किया, जिसमें टॉर्च, कैमरा, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान था। दोनों ने चुपके से घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट और कीड़ों की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। राहुल और विक्रम ने अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जंगल के अंदर उन्होंने देखा कि अजीब सी ठंडक और खामोशी छा गई थी। पेड़ों के बीच में एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। वे दोनों किसी भी समय किसी भी अजीब घटना का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका डर बढ़ता गया। आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद उन्होंने एक खुली जगह देखी। वहां एक पुराना और टूटता फूटता कुआं था, जिसे घास और पौधों ने ढक लिया था। कुएं के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये जगह थोड़ी भयानक लग रही थी, लेकिन राहुल ने इस पर ध्यान न देने की कोशिश की। ये वही जगह हो सकती है जहां लोग कहते हैं कि यक्षिणी का वास है, राहुल ने कहा। विक्रम ने डरते हुए कहा, हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, अचानक पानी में हलचल होने लगी। दोनों ने देखा कि पानी के अंदर एक परछाई उभर रही थी। पानी से एक सुंदर लेकिन भयानक स्त्री बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए दिख रहे थे। यह यक्षिणी थी। यक्षिणी ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच पाओगे। राहुल और विक्रम के चेहरे पर डर साफ था, लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, हमें क्यों सजा दी जा रही है? यक्षिणी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि वह कभी एक साधारण स्त्री थी जिसका नाम कामिनी था। कामिनी इस जंगल में खुशी खुशी रहती थी, लेकिन कुछ अजनबी लोगों ने उसकी जिंदगी को नष्ट कर दिया। उन लोगों ने कामिनी को प्रताड़ित किया और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह उन सभी से बदला लेगी जो उसकी शांति भंग करेंगे। उसकी आत्मा ने इस जंगल को अपना निवास बना लिया और अब वह यक्षिणी के रूप में यहां वास करती है। राहुल और विक्रम ने यक्षिणी की कहानी सुनी और उनके भीतर भय का एक नया स्तर आ गया। यक्षिणी ने उन्हें चेतावनी दी कि वे 3 रातों तक उसके खेल में जीवित रहना होगा, तभी वे इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। पहली रात जब अंधेरा गहरा गया, यक्षिणी ने अपने खेल की शुरुआत की। जंगल में भयानक परछाइयां घूमने लगी। ये परछाइयां मानो उनके साथ साथ चल रही थी और धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। राहुल और विक्रम ने अपनी हिम्मत को कायम रखा और जंगल में रास्ता खोजते रहे। एक स्थान पर परछाइयां अचानक तेज हो गईं और उन पर हमला करने लगी। राहुल और विक्रम ने खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की। राहुल ने विक्रम को अपनी तरफ बुलाया
और दोनों ने मिलकर परछाइयों से बचने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गए और परछाइयों को दूर होते देखा। दूसरी रात यक्षिणी ने उनके मानसिक डर को भड़काया। उसने उनकी सबसे गहरी यादों को जगाया और उनके प्रियजनों की छवियों को सामने लाया। राहुल को उसकी माँ की छवि दिखी, जो दर्द में थी और मदद के लिए पुकार रही थी। विक्रम को उसकी छोटी बहन की आवाज सुनाई दी, जो उसे बचाने के लिए कह रही थी। राहुल ने विक्रम को समझाया कि ये सब यक्षिणी का खेल है और इसे सच मानना सही नहीं है। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और इस भ्रम से बाहर निकलने का प्रयास किया। दोनों ने मिलकर इस मानसिक संघर्ष का सामना किया और खुद को हिम्मत दी। तीसरी रात को यक्षिणी ने पूरा जंगल एक भयानक जाल में बदल दिया। हर कदम पर मौत का खतरा था। राहुल और विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां हैं और किस दिशा में जाएं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद को बचाने की कोशिश की। राहुल ने विक्रम से कहा, हमें यक्षिणी से बात करनी होगी, शायद हम उसे समझा सकें कि बदला लेना उसकी मुक्ति नहीं है। दोनों ने यक्षिणी से सामना किया। राहुल ने यक्षिणी से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत दुखद था, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हमें छोड़ दो और खुद को भी इस श्राप से मुक्त कर दो। यक्षिणी ने राहुल की बातों को सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया कि वह अब इस प्रतिशोध से थक चुकी है। यक्षिणी ने उन्हें जाने दिया और खुद को उस जंगल से मुक्त कर लिया। राहुल और विक्रम ने किसी तरह से सुबह होते होते जंगल से बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। वे दोनों पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन एक आशा की किरण उनके सामने थी। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली और देखा कि सूरज की पहली किरणें आकाश में चमक रही थीं। गांव लौटकर उन्होंने किसी को भी जंगल के अंदर की घटनाओं के बारे में नहीं बताया। उन्होंने समझा कि लोगों को यथार्थ की बजाय विश्वास की जरूरत होती है। वे जानते थे कि यह सब उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था और इसने उन्हें एक नई दृष्टि दी। राहुल और विक्रम ने अपने अनुभव से सीखा कि कभी कभी माफ करना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा साहस होता है। यक्षिणी की आत्मा को शांति मिली और जंगल अब फिर से शांति का प्रतीक बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।